अच्छा फिर चलें, देन यू कम बैक टू पाकिस्तान। फिर पाकिस्तान आई एंड देन फिर पॉलिटिकली बहुत ज्यादा मुझे जिसे कहें कि फेम मिला। कौन सा साल था ये? 2016 16 में आप वापस आते हैं। 16 17 18 एंड यू केम बैक बिकॉज़ खान साहब कॉल्ड यू एज अ टेक्नोक्रेट। अच्छा, उन्होंने आपको उनसे आपका उनको आपका पता कैसे चला आपके काम का? क्योंकि 2008 से मैं पीटीआई के लिए एज अ सपोर्टर काम करती आई, उनकी कॉर्नर मीटिंग्स अरेंज करवाती हुई आई थी, सारी चीजें समर अली खान के साथ उनकी बिल्डिंग के अंदर जी बड़े मशहूर अतीका के उनके साथ बहुत ज्यादा मेरा इंटरेक्शन रहा और मैं पीछे से सपोर्ट करती रही। सो मेरा बेसिकली एक नेटवर्क बड़ा था। सो उस नेटवर्क को डेफिनेटली मैंने कैश इन कराया। फिर 2018 के इलेक्शन के अंदर डॉक्टर आरिफ अलवी, समर अली खान, खुर्रम शेर जमान, इनके लिए मैंने बहुत काम किया। फिर फाइनली खान साहब ने एन ए जो कुरंगी है मुझे वो ऑफ़र किया, लेकिन मैं PS111 की कॉन्स्टिट्यूएंसी में ही रहना चाहती थी, तो मैंने खान साहब से कह दिया था कि मुझे एन ए नहीं चाहिए क्योंकि मेरा ऑब्वियसली एक बेटा है और मैं नहीं चाहती कि बैक एंड फोर्थ में मैं जाऊँ और मैं इंसाफ ना कर सकूँ। अनफॉर्चुनेटली जो तहरीक इंसाफ का स्लोगन था कि जी तहरीक इंसाफ, वहाँ पे ऐसी मुझे कोई चीज़ नज़र नहीं आई। वजह आपने क्या वहाँ देखा जहाँ आपको लगा इंसाफ नहीं? मैंने देखा नहीं, मैंने एक्सपीरियंस किया कि मुझे वो बड़ी बिटर एक रियलिटी है जो मैं नहीं चाहती कि पाकिस्तान के हवाले से किसी भी लोगों का इमेज, एटलीस्ट पॉलिटिशियंस का, सबको सब पता है। लेकिन मुझे बिल्कुल क्लियर कट ये ऑफ़र थी कि जी हम आपको एन ए कोरंगी ऑफ़र करते हैं और आपको जो फंड्स मिलेंगे 80% आप हमें वापस पार्टी को करेंगी, 20% आप रखिएगा चाहे आप अपने घर ले जाएं। 80% वापस पार्टी को करेगी तो वो पार्टी उससे पार्टी करेगी, ये क्या पार्टी ही करेगी? क्योंकि देखिए बीइंग, अगर मैं वो अपनी ले लेती एनए की सीट तो फिर आई एम आंसरेबल टू अवाम। इट इज़ नॉट पॉसिबल कि मैं वो 80% फंड जस्ट बिकॉज ऑफ द सीट और पावर। आपने उनको बोला नहीं 20 ले लो, 80 रहते हो? नॉट एग्जैक्टली, बस फिर वो मेरा पहला डिसीजन था जो मैंने खान साहब से। तो ये जो 18 यहाँ पे एनए की सीटें माशाल्लाह 17-18 जीते थे तो वो 80% पे पार्टी होती रही? ऐसे ही होता रहा क्योंकि काम करने की वहाँ पे कोई स्पेस, कोई गुंजाइश नहीं। आप होती कितना अच्छा था, आपने कैमरा पकड़ा था पीछे देख रही थी, ये मैं हूँ, ये मेरा एनए है, ये मेरी पार्टी, ये पीछे देखो ये हमारी पार्टी हो रही है। अच्छा अगर चले ये पर्सनलाइज, बट दिस इज वेरी अलार्मिंग बाय द वे, बिकॉज खान साहब और करप्शन तो बिल्कुल। देखिए खान साहब का तो नीचे के टीयर से कोई वो नहीं है, लेकिन ना, चेक और बैलेंस तो होगा। डेफिनेटली एक सिस्टम होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली खान साहब की शायद मैं कहती हूँ इस वक्त जो जिन क्राइसिस से गुजर रहे हैं उनकी टीम का इसमें बड़ा हाथ है। और वो टीम आज, ये वो वाली टीम आज साथ है, सबसे पहले उड़ गए वो मेरे ख्याल से सभी सारे उड़ गए।